नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। चंद्र ग्रहण लगने में अब कुछ ही देर शेष है। 19 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ इलाकों में इस ग्रहण को देखा भी जा सकेगा। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं, किस टाइम ग्रहण दिखाई देगा, ग्रहण कैसे दिखाई देगा, उपछाया चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण की तारीख और समय। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 11:29 से होगी और इसकी समाप्ति 5:33 पर 19 नवंबर को होगी। उपछाया से पहला स्पर्श 11:34 पर, प्रच्छाया से पहला स्पर्श 12:50 पर। वहीं परम ग्रास चंद्र ग्रहण 2:33, प्रच्छाया से अंतिम स्पर्श 4:17, उपछाया से अंतिम स्पर्श 5:33। खंड ग्रास की अवधि 3:26, वहीं उपछाया की अवधि 5:59 की होगी। बता दें कि इस ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस ग्रहण को ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जिस कारण इसका धार्मिक महत्व भी नहीं है। कारण, उपछाया ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता और उसकी उपछाया में आकर वहीं से बाहर निकल जाता है। इस ग्रहण के समय चंद्रमा के रंग और आकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि इसमें चंद्रमा पर एक धुंधली सी छाया नजर आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।